नवंबर महीने में मिल सकता है जम्मू को उसका महत्वाकांक्षी ISBT बस टर्मिनल। 95% काम ISBT का पूरा हो चुका है और अब JDA वक्त मांग रहा है LG मनोज सिन्हा से कि वो इसके मल्टी लेवल कार पार्किंग और बस टर्मिनल का उद्घाटन करें। किस तरह का ये बस टर्मिनल है, क्या कुछ खासियत रहेंगी, हम आपको पूरी खबर में बताते रहें। जम्मू शहर को ट्रैफिक जाम से निजात दिलाने के लिए मुख्य बस स्टैंड में निर्माणाधीन मल्टी टायर पार्किंग प्रोजेक्ट अगले महीने शुरू हो सकता है। पहले इसे 30 अप्रैल 2020 को शुरू होना था, लेकिन कोविड काल की वजह से ये स्थगित हो गया। इस मल्टी टायर कार पार्किंग व व्यावसायिक परिसर के निर्माण में 201.68 करोड़ रुपये की लागत आएगी। 6 मंजिला इस मल्टी टायर पार्किंग के साथ बस टर्मिनल भी रहेगा। अन्य राज्यों की तर्ज पर इस टर्मिनल से ही बसें आया जाया करेंगी। खाली बसों को शहर में आने की इजाज़त नहीं होगी। ग्राउंड फ्लोर बस टर्मिनल रहेगा, इसमें 80 बसें खड़ी हो सकेंगी। 10 बसों की बोर्डिंग होगी, 10 अन्य बसें एक्स्ट्रा खड़ी रहेंगी। वहीं 60 बसों को बेकार खड़ा किया जा सकता है। पहली, दूसरी व तीसरी मंजिल पारंपरिक कार रैंप बेस्ड कार पार्किंग होगी, जिसमें कुल 1312 कारों के अलावा 177 दो पहिया वाहन खड़े हो रहेंगे। चौथे व पांचवी मंजिल में व्यावसायिक गतिविधियां रहेंगी, इनमें मल्टी ब्रांड स्टोर, रेस्टोरेंट, फूड कोर्ट व प्रीमियर कार पार्किंग की सुविधा भी रहेगी। अन्य सुविधाएं इसमें 2 एलिवेटर, कमर्शियल फ्लोर के लिए एलिवेटर, रूफटॉप सोलर के साथ 100% पावर बैकअप, फायर फाइटिंग सिस्टम, सीवरेज ट्रीटमेंट आदि रहेंगे। इस पूरे मसले पर क्या कहा VC JDA ने, आइए सुनते हैं। मैम, जो JDA के द्वारा बनाया गया अभी जो न्यूली बस स्टैंड कम पार्किंग है, ये कब से लोगों के लिए, लोगों को मिल जाएगा, ये शुरू हो जाएगा और क्या कुछ फैसिलिटीज़ रहेंगी इसमें? देखिए, जो जनरल बस स्टैंड था ये कंसीव जब किया था उस वक्त इसकी डेडलाइन थी मार्च 20, बट बिकॉज ऑफ पेंडेमिक, कोविड पेंडेमिक, लॉकडाउन हो गया यहाँ पर 22 मार्च को, ये तो ये हमने अप्रैल एंड में इसका इनॉग्रेशन कर देना था। उसकी वजह से क्या हुआ, जो हमारी वर्क फोर्स थी, मैन पावर, वो लॉकडाउन की वजह से सारी की सारी यहाँ से चली गई, तो वी वर जस्ट लेफ्ट विद अबाउट 50 मैन पावर। तो उस मैन पावर को मोबालाइज, काम को फिर से शुरू करने के लिए उस सारी मैन पावर को मोबालाइज करना बहुत ज़रूरी था। एंड वो मोबालाइजेशन की एक्सरसाइज आप समझ लीजिए एंडिंग जुलाई में शुरू हुई और कोई लगभग फर्स्ट वीक अगस्त, कोई 10 अगस्त के आसपास ये सारी मैन पावर हमारी मोबिलाइज होकर कोई 350 के करीब हो गई। और उसके बाद ही आप समझ लीजिए वर्चुअली काम शुरू हुआ ग्राउंड पर। तो और आज की डेट में आप समझ लीजिए लगभग 2.5 महीने हो चुके हैं और 2.5 महीने के पीरियड में हमारा जो पार्किंग का है, 3 लेवल पार्किंग बनाई है, उसमें काम हमारा हो चुका हुआ है, पार्किंग स्पेसेस आर रेडी। उसके अलावा जो बस बेस है, तो 80 बस के लिए जो हमने स्पेस बना रखी है वो भी रेडी है। तो मैम, इसके शुरू होने से कब तक इसके अनुमान लगा सकते हैं, कब तक शुरू हो सकता है ये? मेरे हिसाब से जो लास्ट फिनिशिंग टचेस जैसे रह गई हैं, जो बेसिक है पार्किंग को स्टार्ट करने के लिए, तो मुझे नहीं लगता 2 हफ्ते से ज़्यादा नहीं लगना चाहिए, हो जाना चाहिए, तैयार हो जाना चाहिए। इनफैक्ट तैयार ही है, एक जो फाइनल एक गेटअप देते हैं इनॉग्रेशन के लिए, गेटअप दी जाती है, वो चीज़ें अभी पाइपलाइन में चल रही हैं और पेस के साथ बन रही हैं। हमारा मेन था जो सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट, वो बहुत इंपॉर्टेंट था, उसका मैन पावर हमारा पहुंच नहीं पा रहा था, उसने दिल्ली से आना था, फाइनली वो आ गए हैं। तो उन्होंने मुझे कंप्लीशन स्टेज पर हमारा सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट है, इसमें बड़े नई नई चीज़ें रखी है, रेन हार्वेस्टिंग टैंक्स हैं कि पानी जो है आप सेव कर सकें, कई बड़े अच्छे बिल्ट इन फीचर्स रखे हुए हैं, गीजर्स रखे हुए हैं जो आज की डेट में, मतलब सोलर पैनल रखे हुए हैं कि कहीं लाइट की ऑल्टरनेट बैकअप चाहिए तो आपको सोलर लाइट मिल सके। तो जितने भी आज की डेट में, टू डेट में जो फैसिलिटीज़ होनी चाहिए, तो एक स्टेट ऑफ आर्ट आप बोल सकते हैं जनरल बस स्टैंड का मल्टी कमर्शियल कॉम्प्लेक्स इसको कहते हैं, एंड मल्टी पार्किंग कॉम्प्लेक्स बनाया गया है। तो आपने देखा कि क्या वजह रही, किस वजह से ये प्रोजेक्ट डिले हुआ कुछ महीने, और अब जब ये ऑलमोस्ट पूरा बन के तैयार है
तो बहुत खासियतों के साथ ये जम्मू कश्मीर के नागरिकों को समर्पित कर दिया जाएगा। और जिस तरह से दिल्ली, चंडीगढ़, बेंगलोर, मुंबई में जो ISBTs हैं और मल्टी लेवल कार पार्किंग्स हैं, उसी की तर्ज पर ये पूरा कॉम्प्लेक्स भी जम्मू वालों को मिलेगा। ट्रैफिक कंजेशन तो कम होगी ही, और सारी फैसिलिटीज़ मिलेंगी, जहाँ पर फूड कोर्ट्स रहेंगे, क्लॉक रूम्स रहेंगे और शॉपिंग के लिए कॉम्प्लेक्स रहेगा। लोग यहाँ पर आकर अच्छा अपना समय भी व्यतीत कर सकते हैं और अपनी जो यात्रा है उसको सुगम भी बना सकते हैं। विडियो जर्नलिस्ट पम शर्मा के साथ ख्वाहिश पटियाल, स्टेट टाइम्स जम्मू।